हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नाजनंदिनी भारती एंड दिस इज माय चैनल ड्रीमर फॉरएवर। सो आज हम देखने वाले हैं ऑयल पेंटिंग ट्यूटोरियल, कौन से ऑयल पेंट्स यूज करना चाहिए, ऑयल पेंट्स को कैसे यूज करते होंगे, पेंट ब्रशेस कौन से यूज करना चाहिए, उनके मीडियम्स कौन से होते हैं, कौन सा पैलेट यूज करना चाहिए और कौन सा सरफेस यूज करना चाहिए बिगिनर्स के लिए। सो सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, मेरे पास कैमल कंपनी के आर्टिस्ट ऑयल कलर्स है। इसमें 12 असॉर्टेड शेड्स मिले मुझे और हर शेड 9 ml का है। और सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑयल पेंटिंग के लिए मैं भी नहीं हूँ, मैं भी बिगिनर हूँ। आई एम ऑल्सो द बिगिनर फॉर ऑयल पेंटिंग। मैंने अभी ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की और इससे जस्ट अभी मैंने एक ऑयल पेंटिंग कंप्लीट की है। सो मुझे क्या क्या मीन्स प्रॉब्लम्स आई करते वक्त ऑयल पेंटिंग, मैंने कौन से मीडियम्स यूज़ किए और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वो शेयर करने के लिए तो मैंने सोचा आप लोगों को एक रिव्यू बता दूं। तो यहाँ पर आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे पहले हमें यहाँ पर 12 असॉर्टेड शेड्स मिले हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वाइट पेंट को मैंने सिल्वर फॉइल लगाई हुई है। वो इसलिए लगाई हुई है क्योंकि ये जो वाइट पेंट है, मुझे फ्लेक वाइट कलर, ये डैमेज मिला था ऑयल कैमल कंपनी की तरफ से। मैंने जब स्टोर से बाय किया था और जब मैंने घर पर आके इसे यूज़ करने के लिए ओपन किया, सो यहाँ पर जो है, जब मैं पेंट निकाल रही थी इसमें से, तो मेरा पेंट जो है वो आगे आने के बजाय पीछे से आ रहा था, यानी कि ये ट्यूब मुझे डैमेज मिला था और पेंट वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैंने इसको एक सिल्वर फॉइल से रैप कर रखा है। ऑयल पेंट से एक बात सबसे अच्छी होती है कि आप इसे कितना भी वक्त रख लो, ये ख़राब नहीं होते। अगर आप इसे ओपन भी छोड़ दोगे, मीन्स ऐसे खुला भी रख दोगे, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। अभी हम लोग देखते हैं हमें कौन से शेड्स मिले हैं कैमल कंपनी के आर्टिस्ट ग्रेड में। ये है येलो ऑर्चर, क्रिम्सन लेक, लेमन येलो, दिस इज बर्न साइना, दिस इज क्रोम येलो डीप हुई, दिस इज फ्लेक वाइट हुई, दिस इज कोबाल्ट ब्लू हुई, दिस इज वर्मिलियन हुई, दिस इज पर्शियन ब्लू, दिस इज सैप ग्रीन, विरिडियन हुई एंड इवोरी ब्लैक कलर। सो ये तो हमने अभी इसके शेड्स देखे। अभी हम देखेंगे कौन से पेंट ब्रश यूज़ करना है, इनके मीडियम्स क्या है। तो कैमल कंपनी के साथ ही कैमल कंपनी के दो इसी के मीडियम्स आते हैं उनकी तरफ से। ये है आर्टिस्ट प्यूरिफाइड लिंसिड ऑयल एंड ये है कैमल कंपनी आर्टिस्ट डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन ऑयल फॉर ऑयल कलर्स, जो कि ये दो बेसिक मीडियम्स होते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाले इसी के साथ जो ये मीडियम्स आते हैं ये यूज़ करने के लिए। अगर आप किसी और कंपनी के यूज़ करना चाहे तो वो भी मिल सकते हैं आपको, जैसे विंसर एंड न्यूटन के फास्ट ड्राइंग ऑयल्स आते हैं। और ऑयल पेंटिंग के लिए बहुत से अलग अलग मीडियम्स आते हैं, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ लिंसिड ऑयल ही यूज़ कर सकते हो या टर्पिन ऑयल ही यूज़ कर सकते हो, बहुत से यूज़ कर सकते हो, बट उनकी प्राइजेस भी उतनी ही वैरी करेगी। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये आपके बजट में भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 rupees का लिंसिड ऑयल है और 110 का टर्पिन ऑयल है। तो मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप बिगिनर हो तो आप इसी से स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहे तो विंसर एंड न्यूटन के बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स भी आते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली आते हैं, तो बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है अगर आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे 100 ml मुझे मिला है 100 rupees में, सो वही 1 rupees per ml मिला है मुझे। सो लिंसिड ऑयल जो होता है वो पेंट को थिक करने में हेल्प करता है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये काम आता है। जब हम ऑयल पेंट से कुछ हमारी पेंट कैनवास पे पेंट कर रहे हैं और हमें थोड़ा थिक लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा लिंसिड ऑयल यूज़ कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी बेटर बनाने के लिए। और टर्पिन ऑयल जो है ये यूज़ आता है ब्रशेस को वॉश करने के लिए। और अगर पेंटिंग करते टाइम आपको थोड़ा मीन्स वाटर, जैसे हम लोग एक्रेलिक के टाइम पे वाटर यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी और अच्छी बनाने के लिए, ऑयल पेंटिंग में हम वाटर तो यूज़ नहीं कर सकते। सो टर्पिन ऑयल जो है वो हमें पेंट ब्रशेज जो हमारे होते हैं वो वॉश करने के लिए काम में आता है। और हम पेंट ऑयल पेंटिंग के टाइम पे वाटर तो यूज़ नहीं कर सकते जैसे हम एक्रेलिक्स में करते हैं। हमें जब पेंट एक्रेलिक पेंट्स थोड़े थिक लगते हैं या ब्लेंडिंग के वक्त हम लोग पानी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें डिस्टिल्ड टर्पिन ऑयल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में यूज़ करेंगे लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसका भी। और टर्पिन ऑयल जो है आप लोग अगर कैमल का नहीं लेना चाहते तो आप है ना किसी हार्डवेयर शोर से जो नॉर्मल हमारे घर के पेंटिंग के लिए काम में आता है टर्पिन ऑयल वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनको टर्पिन ऑयल बोलना पड़ेगा, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसके मुकाबले में वो बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ही चीप रेट्स में मिल जाएगा आपको, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट
उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि वो आप यूज़ तो कर सकते हो बट टर्पिन ऑयल्स में से जो है बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलती है जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें से बहुत बैड स्मेल आती है, हालांकि कैमल कंपनी जो है इसमें से भी बहुत बैड स्मेल आती है, बट आप जो हार्डवेयर की शॉप से लोगे तो उसमें इसके मुकाबले में ज़्यादा स्मेल आएगी। ये तो भी डिजिटल टर्पिन ऑयल है तो इसमें उसके मुकाबले में कम स्मेल आती है, बट आप लोग दोनों यूज़ कर सकते हो। बट आई रिकमेंड यू टू वेयर अ मास्क वाइल यूजिंग टर्पिन ऑयल, क्योंकि इसकी स्मेल जो है बिल्कुल अच्छी नहीं होती आपके हेल्थ के लिए भी। और अगर आप डेली पेंट करते हो, यानी कि प्रोफेशनली आप डेली आपकी हॉबी आप डेली पेंटिंग करते हो, सो आप टर्पिन ऑयल मत यूज़ करिएगा। आप किसी अदर ब्रांड के, जैसे कि मैंने आपको कहा विंसर एंड न्यूटन के काफ़ी सारे मीडियम्स आते हैं, वो यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर पेंटिंग करते हो तो उसके लिए टर्पिन ऑयल आपके हेल्थ के लिए बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है या आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें से मैंने आपको जैसे कि बताया बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलती है जो कि हमारी हेल्थ पर बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये तो हो गए अभी मीडियम्स, अभी हम आएंगे पेंट ब्रशेस पे, कौन से ब्रशेस यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पास है ये सारे पेंट ब्रशेस, ये देखिए। पेंट ब्रशेस का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी पेंट ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको एक्रेलिक पेंटिंग के लिए अलग ब्रशेस लेने की और ऑयल पेंटिंग के लिए अलग ब्रशेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेम ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पास ये देख सकते हैं, मैं इसको वाटर कलर के लिए भी यही ब्रशेस का यूज़ करती हूँ, एक्रेलिक पेंटिंग के लिए भी इनका यूज़ करती हूँ और ऑयल पेंटिंग के लिए भी इन्हीं का यूज़ कर सकती हूँ। आप सेम पेंट ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑयल पेंटिंग के लिए अलग से ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे सरफेस पे, हमें कौन सा सरफेस यूज़ करना चाहिए ऑयल पेंटिंग के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कैनवास पैड है, आप कैनवास बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर है तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो आप कैनवास पैड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये 8x10 इंच का कैनवास पैड है, तो अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कैनवास पैड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारे शीट्स मिल जाती है। यहाँ पर तो मैंने यूज़ कर ली है बोलकर आपको चार ही शीट दिख रही है, बट आपको कम प्राइस में बहुत सारे कैनवास शीट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, या चाहे तो आप कैनवास बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। और यहाँ पर आप जैसे कि एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो कैनवास है आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये काफ़ी सारे जो सरफेस है वो काफ़ी रफ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेंटिंग करते वक्त अगर हमें इनको अवॉइड करना है इतने रफ सरफेस को, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो वाइट एक्रेलिक कलर है हम इससे इसको एक बार बेस पेंट करेंगे इसका, फिर हम लोग हमारी पेंटिंग इसके ऊपर करेंगे। अगर आप चाहे तो आपके पास होगा तो आप वाइट गैसो भी यूज़ कर सकते हो, अगर गैसो यूज़ नहीं करना चाहते हो तो हम लोग ये वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है इसका एक सबसे पहले हमें हमारा जो कैनवास है उसको पूरा वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट करना होगा, फिर हम लोग इसके ऊपर हमारी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग पेंटिंग के लिए कैनवास नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, किसी पेपर पे करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को बता दूँ कि पेंटिंग के लिए ऑयल पेंटिंग के लिए अलग से मार्केट में पेपर्स भी आते हैं, यानी कि जैसे स्ट्रैथमोर का ऑयल पेंटिंग शीट आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या बहुत से अलग अलग ब्रांड के भी जैसे पेंटिंग के लिए स्पेशल पेपर्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो कैनवास के अलावा। और अगर आप लोग चाहें तो जैसे हमारी ये नॉर्मल स्केचबुक है, आपने मेरे बाकी ड्राइंग वीडियोस में भी देखा होगा ये स्केचबुक जो कि हम पेंसिल ड्राइंग पेस्टल्स उसके लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको इस पर पेंट करना है तो आप इस पर भी पेंट कर सकते हो। ये 130 GSM का पेपर है, 130 GSM आप यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देखिए 130 GSM ये पेपर की क्वालिटी है, और ये पेपर काफ़ी थिक भी, आप ये यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, सिंपली वाइट एक्रेलिक पेंट की एक लेयर देनी होगी इस पर, फिर आप इस पर आपकी पेंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी बात करते हैं हम पैलेट से, कौन सा पैलेट यूज़ करना चाहिए। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा वुडन पैलेट है, एक्चुअली ये एक राइटिंग पैड था, तो मैं तो अभी पेंटिंग के लिए यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इससे ऐसे पकड़ के, मीन्स इसमें स्पेस भी ज़्यादा है और जहाँ चाहे हम हमारा पेंट निकाल सकते हैं। आपके पास भी अगर ऐसा कोई पुराना राइटिंग पैड है तो आप इसे भी एज ए पैलेट यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा यूज़ करने में। और
आप चाहे तो आपकी कोई पुरानी फोटो फ्रेम या ओल्ड फोटो फ्रेम है उसकी जो ग्लास फ्रेम होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल पेंटिंग के लिए सबसे बेस्ट पैलेट होता है आपका किसी ग्लास फ्रेम को ग्लास पैलेट यूज़ करना, क्योंकि उसमें जब आपकी ऑयल पेंट्स ड्राई हो जाएगी तो आप उसे ग्लास स्क्रैपर की मदद से निकाल भी सकते हो। अगर आपके पास ऐसे कोई ग्लास की फ्रेम नहीं है तो आप ऐसे वुडन पैलेट भी यूज़ कर सकते हो मेरी तरह। और एक और चीज़ होती है, ये जो ऐसे प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जो हम नॉर्मल एक्रेलिक पेंटिंग या जो भी पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, आप इस पर भी कर सकते हो, बट इसे अवॉइड कीजिएगा यूज़ करना, क्योंकि अगर जब आपके ऑयल पेंट इस पर ड्राई हो जाएंगे तो वो बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे। ऑयल पेंट इस पर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो आपका जो पैलेट है वो ख़राब हो जाएगा। So I will not recommend you to use this plastic palettes. Use this wooden palette or use any of your old photo frames that glass frame. That's the best one. अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसे wooden palette use कर सकते हो। अब आते हैं हमारे वार्निश के ऊपर, हमें कौन सा वार्निश यूज़ करना चाहिए। सो मेरे पास यहाँ पे है आर्फिनाज आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश फॉर ऑयल एंड एक्वेलिक कलर्स, ग्लॉस रिमूवेबल है ये, नॉन येलोइंग वार्निश विथ ग्लास फिनिश फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल एंड एक्वेलिक पेंटिंग्स। अगर आप लोग पेंटिंग पहले से जानते हो सो आप लोगों को पता होगा कि है ना, जब भी हम लोग पेंटिंग हमारी कोई कंप्लीट करते हैं वो उसके बाद हम लोग एक वार्निश की लेयर देते हैं उसके ऊपर, ताकि हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो ख़राब ना हो, उन्हें डस्ट ना लगे और वो येल्लो ना हो जाए। बहुत बार ऐसे होता है जब हम पेंटिंग करते हैं तो वो येल्लो पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम वार्निश यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तो मेरे पास ये स्प्रे वार्निश है, ये भी बहुत अच्छा है। और आप कहें तो लिक्विड वार्निश भी मिलता है, जैसे कैमल कंपनी का वार्निश आता है ऑयल पेंट्स के लिए, विंसर एंड न्यूटन के आते हैं, और बहुत सी अलग अलग कंपनीज के, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप जो बॉटल वाला लिक्विड वाला वार्निश होता है आप वो यूज़ कीजिए, आप ये वाला यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें से भी जो है बहुत ज़्यादा बैड फ्यूम्स आती है, इसकी स्मेल जो है वो बहुत बुरी होती है। और एक बात आप ध्यान में रखिए, जब आप वार्निश अप्लाई करोगे आपकी पेंटिंग के ऊपर, और जब स्पेशली अगर आप स्प्रे वार्निश ये वाला यूज़ कर रहे हो तो आप मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसमें से जो स्मेल आती है वो बहुत बुरी होती है, स्पेशली अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है जैसे अस्थमा या कोई और। सो आप बिना मास्क के यूज़ मत कीजिएगा, चाहे तो आप किसी और को बोल दीजिए इसी लेयर अप्लाई करने के लिए। सो जब भी हम हमारी ऑयल पेंटिंग फिनिश करेंगे तो जैसे ही हमारी पेंटिंग कम्प्लीटली सूख जाएगी, आप पहले चेक करिएगा हमारी पेंटिंग सूखी है कि नहीं, जैसे ही हमारी पेंटिंग सूख जाए फिर हम लोग वार्निश की उसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे, इससे हमारी पेंटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब देखते हैं हमारी पेंटिंग ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं। सो यहाँ पर जो है हम लोग प्रैक्टिकल कर देखेंगे ऑयल पेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें एक वाइट एक्रेलिक पेंट से एक हमें इसका बेस पेंट करना होगा, ताकि सरफेस जो है वो ज़्यादा रफ ना रहे, थोड़ा स्मूथ हो जाए। सो यहाँ पर हमने इसे वाइट पेंट से कर दिया, इसे हमें काफ़ी हद तक मदद तो मिलेगी। तो एक बार इसे सूखने देते हैं, फिर देखते हैं कैसे पेंटिंग करनी है। सो जब तक यहाँ पर हमारा जो कैनवास है वो सूखता है तब तक हम देखेंगे कि हमने मैंने जैसे कि आपको बताया था हमें मीडियम्स यूज़ करने होंगे, जैसे कि मेरे पास मैंने आपको बताया था कि डबकिन ऑयल यूज़ करना होगा और लिंसिड ऑयल यूज़ करना होगा। सो आप चाहे तो इनके जो कैप्स हैं इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों भी निकाल करके यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मेरी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटे से कंटेनर में बॉटल में यहाँ लिंसिड ऑयल निकाल के रखा है, आप देखिए इसमें है, इसमें मैंने लिंसिड ऑयल निकाल कर रखा है, आप चाहे तो इसमें ऐसे निकाल लीजिए लिंसिड ऑयल और इसे जो है इस तरह से रख देते हैं, देखिए मैं डाल दूँ इसे अंदर, और टर्पिन ऑयल जो है मैंने ऐसे एक बड़े कंटेनर में निकाल कर रखा है जिसमें आपके जो पेंट ब्रशेस है वो अच्छे से डिप हो पाए, आप देख सकते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो मैं तो इसे अभी कवर कर देती हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो बेस पेंट है वो पूरा सूख चुका है, सो अभी हम लोग इसके ऊपर एक स्केच बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक वाइन बॉटल का स्केच बनाएंगे, उसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्केच बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैमल कंपनी की HB पेंसिल, बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कैनवास पैड पूरा दिख रहा हो।
सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फाइनली मैंने यहाँ पर हमारा एक बेसिक स्केच कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, मेरा स्केच कुछ ऐसा है। ये जो है एक टेबल है जिसके ऊपर एक वाइन ग्लास रखा हुआ है। ये वाइन ग्लास की शेडो है जो कि लाइट हमारी इस साइड से आएगी, और यहाँ पर कुछ मैंने ग्रेप्स ऐड किए हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसे पेंट करना। सो यहाँ अभी हम इस पेंटिंग के लिए लेंगे सबसे पहले तो फ्लेक वाइट कलर, एक वोरी ब्लैक कलर, और एक क्रिम्सन लेक कलर, और बर्न साइना येलो ऑर्चर। और ठीक है, हम लोग फिलहाल इतने कलर से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग कलर्स ऐड करते जाएंगे। सो आप लोगों को बता दूँ, क्रिम्सन लेक कलर जो कि डीप रेड कलर जैसा होता है, वो लोग हम वाइन की लिक्विड वाइन बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ डिटेलिंग्स ऐड की है। ये मैंने वाइन ऐड किया है, ये मैंने ग्लास जो शाइन करता है वो शाइनिंग ऐड की है, और यहाँ पर थोड़ी सी कुछ डिटेलिंग्स ऐड की है। सो यहाँ हम लोग सबसे पहले हमारा जो लिंसिड ऑयल है हम उसे यहाँ हमारे, मैंने आपको जैसे कि बताया था, उसे कैप में निकाल कर यहाँ रख लेंगे। यहाँ हम लोग मैंने लिया है एक फ्लैट ब्रश, आप कौन सा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर येल्लो ऑर्चर, ब्रश जो हमारा है लिंसिड ऑयल में डिप करेंगे, एक्सेस निकाल देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हमारे पैलेट पर लगाएंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी हम एक कॉर्नर से पेंट लेकर ऐसे मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो पेंट जो है वो कितना, उस कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो चुकी है यहाँ पर। ये देखिए मैं आप लोगों को पेंट कर बताऊँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसे कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया तरीके से हो चुकी है। बस हमने थोड़ा सा लिंसिड ऑयल ऐड किया है इसमें। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग ऑयल पेंट के साथ लिंसिड ऑयल नहीं यूज करते हो तो क्या होता है, अभी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने डायरेक्टली ऑयल पेंट लिया, इसमें मैंने लिंसिड ऑयल ऐड नहीं किया, लिंसिड ऑयल यहाँ था, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पेंट लिया और ये मैंने यहाँ करना स्टार्ट किया। देखिए ये कितना थिक है, उतना स्प्रेड नहीं हो रहा है। अगर इसी पर मैं थोड़ा सा लिंसिड ऑयल लगा दूँ, जैसे कि ये लिया एक्सेस यहाँ निकाला और इस पर किया, ये देखिए कितना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है हमारे पेंट को। थोड़ा सा और लिया एक्सेस यहाँ निकाला, अगर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें पेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर हम लोग उसमें लिंसिड ऑयल ऐड करते हैं तो हमें पेंट बहुत कम अमाउंट में लगेगा। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा लिंसिड ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। जैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिंसिड ऑयल थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लिया, इसमें पेंट ऐड किया, और अगर मैं अभी करने जाऊँ तो ये कितना शाइनी इफेक्ट आ रहा है, और ये कितनी थिन लेयर लग रही है इसकी। जितना ज़्यादा हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे हमारी लेयर उतनी ही थिन होते जाएगी। सो इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे, हम उतना ही ऑयल लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है हमारे पेंट को थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी में बनाने के लिए। थोड़ा सा फ्लेक वाइट यूज करेंगे, ये देखो मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। बर्न साइना लेंगे, अब
अभी हम इस बर्न साइनर से जो हमारी वाइन ग्लास के जो शेडो थी ये वाली उसे करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि हम लोग अभी हमें लगभग 5-10 मिनट हो गए हैं हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर पेंट निकाल कर रखे हैं और हम यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, बट अभी तक जो हमारा जो पेंट है ये देखिए वो सूखा नहीं है। जैसे अभी देखिए मैं अभी ये ऐसे टैप करती हूँ मेरी फिंगर, तो मेरी फिंगर पर पेंट आ जाता है, यानी कि ये देखिए आपको मार्क दिख गया, पेंट अभी भी कितना गीला है। ऑयल पेंट की यही खासियत है कि ये लगभग और 2-3 दिनों तक ये सूखेगा नहीं, इसे सूखने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप आराम से चेंजेस कर सकते हो। हमने यहाँ बॉन्ड साइना लिया है फिर से थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमने देखा अभी एक छोटा सा शॉट देखा हमने पेंटिंग का, ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको इसी पेंटिंग और इसी पेंटिंग को हम लोग पूरी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी हम लोग रख देते हैं इस पेंटिंग को साइड में। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो जो पेंट ब्रश है, ये ऑयल पेंट का जो ब्रश है ये देखिए इसे क्लीन कैसे करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास ये मेरा डोपिन ऑयल मैंने कंटेनर में निकाल कर रखा है। सबसे पहले हमारा जो ब्रश है हम लोग इसे डायरेक्टली इसमें डिप नहीं करेंगे, जो हमारा एक्सेस जो पेंट होता है हमारे ब्रश के ऊपर वो हमें हम लोग ऐसे क्लॉथ पर निकाल लेंगे। ये देखिए जितना भी एक्सेस आप निकाल सकते हो पेंट आपके ब्रश में से आप उतना ज़्यादा पेंट निकालिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से और ज़्यादा पेंट अब नहीं निकल रहा है। सो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली बस इस टर्पिन ऑयल में इसे ऐसे घुमाते रहेंगे और इसका जो जो ब्रश जो है हम वो नीचे ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारे ब्रिसल्स पे भी जो पेंट है वो निकल जाए। यहाँ हमने इसे घुमा लिया, हम लोग टर्पिन ऑयल एक्सेस इसमें निकाल देंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे इस ब्रश को इस पर क्लॉथ पे ऐसे रख के प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अब जो इसमें से पेंट जो है वो नहीं निकल रहा, यानी कि हमारा ब्रश पूरा क्लीन हो चुका है, दूसरी पेंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को इस ब्रश पे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा ब्रश डार्क हो गया था, मैं आपको एक क्लीन ब्रश पे करकर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक एकदम नया क्लीन ब्रश है, इसके ऊपर मैंने कलर लगाया, येलो ऑर्चर लगाया, बर्न साइना या जो भी कलर्स हमारे पास यहाँ पे पैलेट पे है, ये देखिए वाइट सारे पेंट जिसपे मैंने ऐसे लगा दिए। अब आप देख सकते हैं इस पर कितना सारा पेंट है, देखिए मेरे हाथों पर लग रहा है ये देखिए। सो हम लोग वही स्टेप्स रिपीट करेंगे, हम लोग पहले क्लॉथ पे एक्सेस पेंट निकाल लेंगे ऐसे प्रेस करके, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई मत कीजिएगा वरना जो हमारे ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो ख़राब हो सकते हैं। जितना हो सके हमने पेंट निकाला, अब हम लोग सिंपली इसको टर्पिन ऑयल में ऐसे डिप करेंगे, थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे। एक्सेस ऑयल हमने यहाँ पर इसमें निकाला ऐसे, सिंपली ये क्लॉथ पर डाला और ये निकाला, इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्रश जो के पूरा क्लीन हो चुका है। अगर आप लोगों के हाथ पर कहीं ऑयल पेंट लग जाए तो जहाँ से हमने ब्रश को टर्पिन ऑयल से साफ़ किया था उसी से हम लोग साफ़ कर देंगे, इससे पेंट निकल जाएगा। सो अक्सर आपके हाथ पर भी जो पेंट लगा होगा आप उस एरिया जहाँ पर टर्पिन ऑयल लगा है उससे साफ़ कर लीजिए, आपके हाथ पर भी जो पेंट है वो निकल जाएगा। हम लोग इसे कवर कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।